जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीकॉम पार्ट सेकंड, स्वाति रिफ्रेशर, पब्लिक फाइनेंस। जी हाँ, बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ाया जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसकी थ्योरी आज हम स्टडी करेंगे, और कौन सा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है वह भी यहाँ पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो जो हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट किया हुआ है वो है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन यहां पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। डिफाइन पब्लिक फाइनेंस, यानी पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त या राजस्व को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी वो है विशेषता कौन सी है। एक्सप्लेन इन डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और इसका विस्तृत वर्णन करिए इसके महत्व के बारे में। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा यूं तो बहुत प्रकार के विद्वानों ने दे रखी है, लेकिन जो उचित परिभाषा है वह आप परीक्षा की दृष्टि से जो परिभाषा आपको अच्छा लगता हो वह आप यहां पर समझ सकते हैं, और इजी परिभाषा जो हो एग्जाम के टाइम पर आपको जो याद रहे आप उसी प्रोफेसर की परिभाषा को ज्यादा महत्व दीजिए। हालांकि यहां पर परिभाषा प्रोफेसर फिंडले सिराज, डाल्टन, एडम स्मिथ और बेस्टेबल ने दिया हुआ है, और हेरोल्ड ग्रोव्स की भी परिभाषा यहां पर मौजूद है। तो हम एक एक करके पहले इसमें दो महत्वपूर्ण प्रोफेसर की परिभाषाओं को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर फिंडले सिराज की। फिंडले सिराज का कहना है कि पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड राइजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज। मैं पहले ही बता दूं कि आपको ये बताया जाने वाला या सुनाया जाने वाला जो लेक्चर चल रहा है, इसमें आप हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं तो भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात ये वीडियो जो शूट की जा रही है इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे आसानी से इस लेक्चर को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन हमने पढ़ा था प्रोफेसर फिंडले सिराज के बारे में। फिंडले सिराज ने कहा कि राजस्व सार्वजनिक संस्थाओं की आय एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन है। इस डेफिनेशन का जो मतलब होता है वह मैंने आपको बताया, यानी फिंडले सिराज ने ऐसी बात बताई है जिससे पता चलता है कि जो हम राजस्व के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं यह पूरी तरीके से हम सार्वजनिक व्यय और आय दोनों के बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे प्रोफेसर डाल्टन के बारे में। डाल्टन ने कहा है कि पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्नेड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन ऑफ अदर। अगर डाल्टन की बात करें तो प्रोफेसर डाल्टन ने कहा है, डॉक्टर डाल्टन है ये, और यहां पर हालांकि डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी दूसरी बुक्स में प्रोफेसर डॉक्टर डाल्टन के बजाय डॉक्टर डाल्टन के नाम से विख्यात हैं। तो राजस्व राज्य की आय और व्यय तथा इसके एक दूसरे के साथ समायोजन से संबंधित है, ऐसा कहना है डॉक्टर डाल्टन का। यानी दोनों प्रकार के प्रोफेसर्स की अगर हम डेफिनेशन को ध्यान से अध्ययन करते हैं तो यह साफ नजर आता है कि कुल मिलाकर के जो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय होता है जो कि राज्य सरकार के द्वारा या उससे संबंधित जो भी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा कहां कहां से आय अर्जित की जाती है, आय प्राप्त की जाती है और उनका सार्वजनिक लोक कल्याण के लिए कहां कहां पर उसका व्यय किया जाता है, उसी को अध्ययन करना ही राजस्व अथवा लोक वित्त कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। आखिर राजस्व का महत्व क्या है, हम इसकी स्टडी करते क्यों हैं, आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम स्टडी करना पसंद करते हैं और हम क्यों
इसको ज्यादा महत्व देते हैं। अब बात करेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां लिखा है सबसे पहला महत्व, इम्पोर्टेंट और स्कोप दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये स्कोप यानी क्षेत्र, स्कोप से हमारा मतलब इसके क्षेत्र से होता है। तो सबसे पहले हम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है सार्वजनिक जो हमारा खर्चा होता है, जो सरकार का खर्चा होता है पब्लिक के लिए होता है, वही सार्वजनिक व्यय कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर लोक वित्त का स्कोप यानी क्षेत्र क्या है। सबसे पहला क्षेत्र है पब्लिक रेवेन्यू, यानी कि इन दिस अप्रोच ऑफ पब्लिक फाइनेंस वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स स्ट्रक्चर एंड टैक्स सिस्टम एक्सेट्रा आर स्टडीड। इट इज पब्लिक रेवेन्यू थ्रू विच ही द गवर्नमेंट परफॉर्म्स इट्स वेरियस एक्टिविटीज। इसका मतलब होता है यह एक ऐसी शाखा है जनता से जहां पर सरकारें रेवेन्यू यानी इनकम अर्न करती हैं, उनसे लेती हैं, प्राप्त करती हैं, टैक्स सिस्टम को स्टडी करती हैं और किस तरह से जनता पर टैक्स लगाया जाए और उसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए जाएं और सरकार जनता से किस तरह से विभिन्न प्रकार के तरीकों से कर के स्ट्रक्चर, कर का ढांचा तैयार करे जिससे पब्लिक रेवेन्यू बढ़े यानी सार्वजनिक आय हो। उसके बाद बात करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। पब्लिक एक्सपेंडिचर, द गवर्नमेंट हैज टू इनकर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन प्रेजेंट वेलफेयर सोसाइटी। वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, वेरियस पॉलिसीज इंक्लूडिंग बजट एक्सेट्रा आर स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑब्टेन दैट वेरी सिमिलर प्लेस इन पब्लिक फाइनेंस विच कंजम्पशन हैज इन इकोनॉमिक। इसका मतलब ये होता है कि ये जो राजस्व है इसका अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय, क्योंकि राजस्व का जो प्रारंभ होता है वो सार्वजनिक व्यय अथवा लोक व्यय से ही होता है। सरकार व्यय करने की जब योजना बनाती है तो सबसे पहले खर्चा करने के बारे में ही सोचा जाता है और फिर उसके अनुरूप ही आगम यानी कि आय प्राप्त करने के बारे में प्रयत्न किया जाता है और सरकार जो आय प्राप्त करती है वह जन कल्याण में खर्च किया जाता है। इसके लिए लोक व्यय के अंतर्गत उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिसके अनुसार सरकार अपना व्यय करती है यानी अपना खर्च करती है। साथ ही जो सार्वजनिक व्यय के प्रभाव का विश्लेषण है उसको भी किया जाता है और इसके साथ साथ यह भी अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाएं जिससे मुद्रा स्फीति न बढ़े बल्कि उत्पादन तथा आर्थिक विकास में वृद्धि हो। यानी सरकार का पूरा यह नजरिया होता है कि कहां कहां से उनको राजस्व की प्राप्ति होगी और किन किन चीजों पर कहां कहां जन कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। जो खर्च होता है तो उसका हिसाब सरकार को, जो सरकार है उसको पहले लगाना होता है। जब सरकारी खर्च के बारे में पहले ही अनुमान लगाती हैं तो उसके आय के बारे में भी उनको उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। अगला स्कोप है इसका फाइनेंशियल पब्लिक डेप्ट है। थर्ड नंबर पे ध्यान देंगे तो पब्लिक डेप्ट है थर्ड पॉइंट। इन प्रेजेंट डेज गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग वेरियस वेलफेयर ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एज रिजल्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड्स पब्लिक रेवेन्यू इन मोस्ट ऑफ द केसेज। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट सिक्योर्स पब्लिक डेब्ट्स बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। डेब्ट पॉलिसीज, देयर मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग देयर इफेक्ट्स, वेज ऑफ रिडेम्पशन एक्सेट्रा आर स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसका मतलब होता है जो विभिन्न प्रकार के अगर विद्वान लोगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि बजट जो होता है वो हमेशा संतुलित रहना चाहिए, यानी ना तो ज़्यादा इनकम न ही ज़्यादा खर्चा। अगर ज़्यादा खर्चा हो गया तो खर्चे के बोझ में सरकार को घाटा होगा। अगर ज़्यादा इनकम होती है, खर्च के बारे में कोई जानकारी न होने से वह इनकम भी असंतुलन बना सकती है।
इसलिए सरकार की आय और व्यय बराबर ही रहना चाहिए, किंतु आजकल संतुलित बजट की मान्यता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। संतुलित बजट होता ही नहीं, या तो घाटा ही, मोस्टली तो घाटा ही होता है, क्योंकि राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से सार्वजनिक आय की तुलना में सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है और अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सरकार ऋण का सहारा लेती है। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत ऋण के स्रोत जो कि विभिन्न सिद्धांत सार्वजनिक ऋण के भुगतान तथा इन ऋणों के प्रभाव और भार का अध्ययन किया जाता है, यानी सरकार को कहां से किन किन साधनों से ऋण की यानी कि लोन लेना पड़ेगा, ये पब्लिक डेब्ट लेना पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए सरकार को जब ये तभी सरकार के ऊपर बोझ बनता है जब सरकार अपनी आय की अपेक्षा अपने व्यय को अधिक करती है। आप खुद सोचिए, यदि आपके पास जितनी इनकम है उससे कहीं ज्यादा अगर आपने खर्च किया है तो आपको बाहर से रुपया लोन के रूप में, कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में लेना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से सरकारों को भी यही काम करना होता है। जिस सरकार ने अपने खर्च का अनुमान आवश्यकता से अधिक लगा लिया है तो उनको ऋण का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऋण से ही वो अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं। चौथा स्कोप है इसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन का मतलब क्या होता है? वित्तीय प्रशासन जो होता है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी मैनेजमेंट के जितने भी वित्तीय प्रक्रियाएं होती हैं हम उसको पब्लिक फाइनेंस की इस शाखा में पढ़ेंगे। बजट मेकिंग, पब्लिकेशन, ऑडिटिंग एक्सेट्रा आर आल्सो इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रक्रिया में यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वित्तीय प्रशासन के अंदर बजट को बनाना, पब्लिकेशन करना यानी उसका प्रकाशन करना, अंकेक्षण करना यानी खातों की शुद्धता की जांच पड़ताल करना, जो भी लेन देन होते हैं उन सभी चीजों की अच्छी जानकारी होना, उनका अच्छी जांच पड़ताल करना, कहीं किसी प्रकार का घपला घोटाला ना होना, इन तमाम चीजों को वित्तीय प्रशासन में शामिल किया गया है, जिसके अंदर बजट का निर्माण करना, उसको पास करना, उसको क्रियान्वित करना, टैक्स को एक जो इकट्ठा करना है कर टैक्स, उसको उसकी व्यवस्था करना, और खर्चा कहाँ होगा, किन किन चीजों में होगा उसकी व्यवस्था करना, और पब्लिक फाइनेंस का ऑडिटिंग कराना और उस पर कंट्रोल करना भी इस स्कोप का हिस्सा है, यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसका चौथा स्कोप है। पांचवा स्कोप है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब होता है द वेरियस पॉलिसीज रिलेटिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस। वेरियस फिजिकल एंड टैरिफ पॉलिसीज आर इंक्लूडेड अंडर दिस सेक्शन। With this section of public finance, government regulates and controls complete economic system. This branch of public finance helps in obtaining the objective of maximum social advantage. जो आर्थिक स्टेबलाइजेशन यानी आर्थिक स्थायित्व की अगर हम बात करते हैं तो लोक वित्त के इस विभाग में हम देश के आर्थिक स्थायित्व के लिए राजकोषीय नीति के प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। इस शाखा को कार्यात्मक वित्त यानी कि फंक्शनल फाइनेंस भी कहते हैं। इस विभाग के अंतर्गत देश में पूर्ण रोजगार को बनाए रखना, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण लगाने और मुद्रा स्फीति व मुद्रा संकुचन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य की वित्तीय, राजकोषीय तथा अन्य व्यापक आर्थिक क्रियाओं का समावेश होता है। पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि सभी पांचों विभाग एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में लोक वित्त का स्वरूप स्थिर न होकर प्रवैगिक होता जा रहा है, यानी लोक व्यय महत्वपूर्ण भाग है और आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए लोक व्यय का होना बहुत आवश्यक है। इसके अंदर हम अलग अलग प्रकार की पॉलिसियां बनाते हैं, किस प्रकार से पब्लिक फाइनेंस का इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से राजस्व को मेंटेन किया जाए, उसको किस तरह से सही सुदृढ़ रास्ते पर प्रयोग करने के लिए पॉलिसियां बनाई जाए, किन किन जगहों पर सरकार अपने आर्थिक सिस्टम को पूरा कर सकती है, मजबूती से खड़ी है, इस शाखा में हम इन तमाम चीजों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से स्कोप जो कि
यहाँ पर आपको दिखाई दिया पब्लिक फाइनेंस का, वो पांच प्रकार के स्कोप बताए गए हैं। अब बात करेंगे इसके महत्व के बारे में, आखिर इसका महत्व क्या है। महत्व से हमारा मतलब है इससे फायदा क्या होता है, आखिर इम्पोर्टेंस पब्लिक फाइनेंस का है क्या। सबसे पहला फाइनेंस का पहला स्कोप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यहाँ स्क्रीन पर है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी कि अत्यधिक सामाजिक लाभ। अत्यधिक सामाजिक लाभ कैसे होता है यह भी आप इस वक्त देखेंगे कि राजस्व से सामाजिक लाभ कैसे प्राप्त होता है। द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू अटेम्प्ट फॉर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, यानी सरकार का पूरा प्रयत्न होता है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा जनता को जन कल्याण के लिए भागीदारी बनाए, यानी जनता का जन कल्याण के बारे में अधिक सोचे। फॉर इंश्योरिंग द ऑब्जेक्टिव द गवर्नमेंट परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इस प्रकार की प्रक्रिया को करने के लिए सरकार को बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। पब्लिक फाइनेंस प्रोवाइड वेरियस प्रोडक्टिव एंड जस्टिफाइड सोर्सेज फॉर रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन एंड डाइवर्ट दीज टू वेरियस सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इन अदर वर्ड्स पब्लिक फाइनेंस प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन सोशल वेलफेयर ऑफ ए नेशन, यानी एक राष्ट्र के अंदर जो सोशल वेलफेयर है उसके लिए अहम भूमिका निभाने का कार्य ये पब्लिक फाइनेंस, यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस का सोर्स है वो करता है। अदरवाइज सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होगा यह सोचने वाली बात है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार को अगर जन कल्याण करना है तो उनको फाइनेंस यानी कि अपनी इनकम का जरिया मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा महत्व है पब्लिक फाइनेंस का रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज यानी आर्थिक भिन्नता को कम करना। आर्थिक भिन्नता में कम करना का मतलब क्या हुआ, हमारे देश के अंदर आर्थिक विषमताएं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। जो लोक वित्त है ये आर्थिक विषमताओं को दूर करने में सहायक है, यानी धनी वर्ग की जो आय होती है, यानी जो लोग ज्यादा पैसे वाले हैं उनकी आय और संपत्ति पर भारी करारोपण करके यानी बहुत ज्यादा टैक्स लगा करके उससे आय प्राप्त की जा सकती है, और उसको निर्धन लोगों पर व्यय करके आर्थिक विषमताओं को घटाया जा सकता है। अगर सरकार अपने टैक्सेशन पॉलिसी में सुधार करके धनी वर्ग पर ज्यादा कर लगाए और उस कर का फायदा जो निर्धन लोग हैं उनके ऊपर किया जाए, तो जैसे उनका मकान बनवाया जाए, उनका घर बनवाया जाए, उनके रहन सहन और जीवन स्तर को मजबूत किया जाए, इस प्रकार से धन जो है इसका यूज करके प्रयोग करके हम आर्थिक विषमताओं को दूर कर सकते हैं, अर्थात सरकार इस कार्य को अंजाम दे सकती है और उसके लिए भी पब्लिक फाइनेंस का होना बहुत आवश्यक होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के अंदर पब्लिक फाइनेंस यानी कि आर्थिक विकास, देश के आर्थिक विकास में सहयोग, अर्थात देश का आर्थिक विकास, अर्थात पब्लिक फाइनेंस हेल्प्स इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। पब्लिक फाइनेंस देश के अंदर विकास को, आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। द कंप्लीट प्लानिंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन पब्लिक फाइनेंस, कंप्लीट प्लानिंग प्रोसेस यानी कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं अगर उनको पूरा करना है तो सरकार को पब्लिक फाइनेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। वेरियस पॉलिसीज रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, डेब्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग टू हेल्प इन एक्सीलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। देश के अंदर अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक विकास के बारे में, तो इसके लिए सरकार को अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ाना होगा, और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए सरकारों को अपने टैक्सेशन पॉलिसी को और अपने इनकम की पॉलिसी को मजबूत करना होगा। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए उन्हें पब्लिक फाइनेंस का ही सहारा होता है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए सरकारों को खर्चा ज्यादा कर दिया उन्होंने और पैसा उनके पास है नहीं, तो सरकार इस बारे में
पब्लिक फाइनेंस को ही मजबूत करने की कोशिश करेगी और उनको ऐसी ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करना होगा जहां से उनको अर्निंग हो सकती है, कमाई हो सकती है, जहां से उनकी अर्निंग आएगी तो वह लोगों के लोक कल्याण पर खर्च किया जा सकता है। इसके बाद है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि इसकी हेडिंग है या आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर, इसके ऊपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। इसका मतलब होता है आर्थिक स्थिरता, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक बार आपको इसको दोबारा बता दूं। फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग कंट्री नीड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर देश के अंदर अच्छी योजना के तहत कार्य करना है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। फिजिकल पॉलिसी हेल्प्स इन चेकिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अगर सरकार की राजस्व की नीतियां मजबूत होंगी तो इस फ्लक्चुएशन को यानी इस उतार चढ़ाव को दूर किया जा सकता है। ट्रेड साइकिल्स इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इम्पोजेज हैवी टैक्स टू चेक इन्फ्लेशन इन द कंट्री एंड स्पेंड्स मोर टू चेक डिफ्लेशन इन द कंट्री। मुद्रा स्फीति और मुद्रा अवस्फीति अगर देश के अंदर होती है तो उसको सरकार अपने फिजिकल पॉलिसी यानी राजस्व नीतियों में परिवर्तन करके दूर कर सकती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो पब्लिक फाइनेंस प्लेज वाइटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री, यानी राजस्व की जो नीतियां होती हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। लोक वित्त सामाजिक आर्थिक वित्तीय हर प्रकार की स्थिरता को देश के अंदर बनाए रखने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी पॉलिसी को बहुत सुदृढ़ रखना होगा। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक फाइनेंस से देश के अंदर प्रोडक्शन बरकरार रहता है, अधिक होता है और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पनपता है, यानी रोजगार को बढ़ावा मिलता है। यानी वेरियस विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं जिसके द्वारा सरकारों को टैक्स प्राप्त होता है और उस टैक्स से सरकार जन कल्याण की योजनाओं में जन कल्याण के लिए उनके लिए रोजगार उत्पन्न करती हैं, उनके लिए नई नई कंपनियां स्थापित की जाती हैं और सरकार उनको उनके लिए जब रोजगार उत्पन्न होता है तो उसके लिए वो सरकारें उनको सब्सिडी भी देती हैं। अगर अभी आप हाल फिलहाल की योजनाओं के बारे में बात करें, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई हैं जिसमें एक व्यक्ति सरकार से लोन ले करके बैंकों से आसानी से छोटे मोटे कारोबार शुरू कर सकता है और धीरे धीरे उस लोन को अदा भी कर सकता है। सरकार इस प्रकार की आर्थिक सहायता देती है, जन कल्याण में ही तो यह पैसा लग रहा है। मकान बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान बनाए जा रहे हैं, ये तमाम पैसे जो खर्च हो रहे हैं ये सब पब्लिक फाइनेंस से ही हो रहा है। जो सरकारों को टैक्स मिलता है सरकार उस हिसाब से उसको जन कल्याण में प्रयोग करती है। इसके बाद है नेक्स्ट देखेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, इससे औद्योगिक सुरक्षा प्रदान होता है। यानी इंडस्ट्रीज आर फाउंडेशन फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। जो उद्योग और कारखाने होते हैं ये देश की नींव होते हैं, देश की गति प्रदान करने में, देश का विकास करने में यह इनका बहुत बड़ी भूमिका होती है। डेवलपिंग कंट्रीज डू फेस हार्ड कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जिस प्रकार से हमारा देश विकसित नहीं है, अभी विकासशील है, यानी ये विकास के रास्ते में चल रहा है, तो इस प्रकार से जो देश विकास के रास्ते में चल रहे होते हैं उनको विकास करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फॉर प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इन्फेंट इंडस्ट्री द गवर्नमेंट इम्पोज हाई टैरिफ एंड इम्पोर्ट ड्यूटी टू सेफ गार्ड द इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन्फेंट इंडस्ट्रीज। हमारे देश के अंदर जो कंपनियां जो कारखाने अगर सक्रिय हैं तो सही है, नहीं सक्रिय है, नहीं उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो विदेशों से जिन माल को एक्सपोर्ट किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट किया जाता है, उनको उन पर हैवी ड्यूटी और हैवी टैक्स लगा दिया जाता है जिससे कि वो देश में इम्पोर्ट ना हो, कम हो और अपने देश की सामान का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इससे देश में रोजगार और विकास दोनों को और प्रोडक्शन इंक्रीमेंट तीनों को बहुत ज्यादा गति मिलेगी।
अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस इन सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में भी राजस्व का बहुत महत्व है। पब्लिक फाइनेंस हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी पब्लिक फाइनेंस बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, उसका सहयोग बहुत जरूरी होता है। सोशल इक्वालिटी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एक्सेट्रा इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इम्पोजेज हाई टैक्सेज ऑन सोशल हार्मफुल गुड्स लाइक इंटॉक्सिकेंट एंड प्रोवाइड्स सब्सिडीज अननेसेसरीज आइटम्स विच इंसिस्ट इन अचीविंग सोशल बेनिफिट्स। जिन सामानों से देश में खतरा है, नुकसान है, जो हमारे युवा पीढ़ी है उसको नुकसान है, उस पर सरकार हैवी टैक्स लगा देती है जिससे उसको लोग कम यूज करें, और जो चीज यूज करने वाली है उस पर सरकार सब्सिडी दे देती है जिससे कि लोगों को उससे राहत मिले और लोग अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें, जन कल्याण के बारे में सोचें और विकास करें। इम्पोर्टेंस टू फाइनेंस मिनिस्टर, यहां पर वित्तीय मंत्री को भी महत्व बताया गया है। द नॉलेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज वेरी इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर, यानी अगर एक वित्त मंत्री जो होता है, अगर उसको सफल वित्त मंत्री बनना है तो उसको भी पब्लिक फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। फॉर मोबिलाइजिंग एडिक्वेट फंड फ्रॉम इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्पेंडिंग देम फॉर मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, सक्सेसफुल एंड एबल फाइनेंस मिनिस्टर टेक्स द हेल्प ऑफ पब्लिक फाइनेंस। यदि एक सफल वित्त मंत्री को सफल होना है, अगर सफल बनना है, मतलब एक वित्त मंत्री है, अगर उसको सफल बनना है तो उसे राजस्व का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, तभी वह कहां से उसको धन प्राप्त करना है, कहां से उसको आय होगी और वह जन कल्याण के लिए किस प्रकार से सफलतापूर्वक धन खर्च कर सकता है, इस बारे में उसकी जो हेल्प होगी वो पब्लिक फाइनेंस के द्वारा ही संभव है, इसलिए उसको पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। सोशल जस्टिस, इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है कि सामाजिक न्याय। यहां पर देखने वाली बात यह है कि सोशल जस्टिस इन द इकोनॉमी कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हम सामाजिक न्याय या सामाजिक जो सिद्धांत है उसकी स्थापना हम पब्लिक फाइनेंस के अध्ययन से कर सकते हैं, जो कि देश के आर्थिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा, जो लोग ज्यादा पैसे वाले हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा और जो लोग गरीब हैं उन पर, उनके कल्याणकारी योजनाओं पर वह धन खर्च करके इस आर्थिक विषमता को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से राजस्व का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हमने लगभग 8 पॉइंट पढ़ा है जिससे हमें पता चलता है कि राजस्व यानी कि पब्लिक फाइनेंस की स्टडी इतनी इम्पोर्टेंट है, और इतना महत्वपूर्ण होने के बाद अगर आपने इस लेक्चर को सुना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा की दृष्टि से भी। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, इसका लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिले, ये मेरी पूरी आपसे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और लोगों तक जरूर इसको शेयर करेंगे।